हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ स्नेहल। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बैगिट हैंडबैग का रिव्यू और एक लावी स्लिंग बैग का रिव्यू। तो हम बैगिट बैग से स्टार्ट करते हैं। ये है बैगिट बैग, ये हैंडबैग है और इसका कलर है ऑरेंज। मतलब इसमें लिखा हुआ है ऑरेंज, लेकिन ये प्योर ऑरेंज नहीं है। ऑरेंज और जो येलो कलर, जो मतलब ये थोड़ा मस्टर्ड कलर के टाइप का है, मतलब प्योर मस्टर्ड भी नहीं है, थोड़ा सा ऑरेंज हिंट है इसमें। ये काफ़ी बड़ा बैग है, मतलब इसका साइज़ छोटा भी नहीं है और बड़ा भी नहीं है, मीडियम भी, मतलब मीडियम आप बोल सकते हैं, लेकिन मीडियम से थोड़ा सा बड़ा है। मतलब ये बहुत अच्छा बैग है, इसमें काफ़ी कुछ सामान आ जाता है। ये दो हैंडल है, टोटल इसमें तीन जिपर है। एक ये पीछे साइड वाला जिपर है और अंदर से आपको ये कुछ ऐसे दिखता है। अंदर ये देखो कचरा, ये एक जिपर है और एक ये दूसरा जिपर है यहाँ पे। और ये जो इसका जो मटेरियल है, ये है लेदर। और अंदर का जो है ये कपड़ा, ये भी काफी अच्छा है, मतलब ये वॉशेबल है कपड़ा। और इसका जो पीछे का जिपर है, ये इसमें आपका कुछ छोटा वॉलेट और मोबाइल और जो भी आपका हेडफोन वगैरह है, आप इसमें रख सकते हैं इजीली। ये काफी बड़ा साइज है, इसके लिए आपको ये मेन जिपर खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जनरली ऐसा होता है कि ये पीछे साइड में इतना बड़ा सिपर नहीं होता है, लेकिन इस बैग में है इसका। और यहाँ पे इसका डिज़ाइन ऐसा है कि यहाँ पे इसके ये दो झालर जैसे डिज़ाइन है, ये काफ़ी अच्छे लगते हैं और काफ़ी स्टाइलिश भी लगता है। और इसमें जो है इसकी जो MRP है, ये देखिए 2590। लेकिन ये मतलब अगर आपको ये मैंने ऑफर में लिया था 1000 के अंदर। अगर ये आप डिस्काउंट में लेते हैं तो ये आपको 1000 के अंदर अगर 800-700 का पड़ता है तो भी ये आपको अच्छा, मतलब अच्छा रहेगा। ये इस वर्थ है, इसका प्राइस वर्थ है। और इसका जो लेंथ है, इसका हाइट जो है वो 20.32 सेंटीमीटर है। और ये जो बैग है अंदर, अगर आप कॉलेज गोइंग है या ऑफिस गोइंग गर्ल, मतलब है लेडीज है, तो आप इसमें आपका टिफिन बॉटल और कुछ आपका स्कार्फ और या कुछ एक्स्ट्रा सामान है वो आराम से इसको इसमें आ जाएगा। अगर आप मम्मी हैं तो आपके बच्चे का बॉटल, उसका टिफिन, उसके 3-4 कपड़े और आपका कुछ भी सामान, ये सब इसमें आ जाएगा। मतलब इतना ये स्पेशियस है, आपको कोई भी और बैग लेने की ज़रूरत नहीं है। और ये मतलब इसका हैंडल भी बहुत मजबूत है। और जो भी बैगेट के बैग रहते हैं उसका जो ये रहता है, ये जिप, ये जो ये रहता है जिप, इसमें डबल जी लिखा हुआ रहता है। मैंने बैगेट के काफ़ी बैग यूज़ किए हैं, आप मतलब इनकी क्वालिटी इतनी अच्छी रहती है और ये इतने मतलब स्ट्रॉन्ग रहते हैं कि आपको 3-4 साल तो आराम से चल जाएंगे। मतलब आप थक जाओगे कि मैं मतलब और कितना यूज़ करूँ, लेकिन फिर भी ये आपको चलेगा, ये इतना अच्छा रहता है बैगेट के बैग्स। और इसमें आपको, ये मैंने मिंत्रा से परचेस किया था, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगी। इसमें 4-5 और भी कलर है, लेकिन मुझे ये कलर सबसे अच्छा लगा क्योंकि ये बहुत मतलब सभी आउटफिट पे जाता है। और ये बैग मतलब सभी इसमें ट्राउज़र में, जीन्स पे या कुछ सलवार पे, ये सभी इसमें अच्छा मतलब अच्छा लगता है। ये बैग देखिए, इसका लुक कुछ ऐसा आता है ये, और इसमें हैंड में भी हाय फ्रेंड्स, मी आहे स्नेहल। माझ्या चॅनलमध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज मी तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे लावी स्लिंग बॅगचा रिव्ह्यू। मी मागेच आता बॅगिट बॅगचा रिव्ह्यू शेअर केला आहे, आता आपण बघू लावी स्लिंग बॅग। ही मी 10 दिवसांपूर्वी ऑर्डर केली होती फ्लिपकार्टवरून। इचा कलर ऑरेंज आणि ऑफ व्हाईट असा याचा स्ट्रिप्सचा पॅटर्न आहे। याला एक मेन कंपार्टमेंट आहे आणि एक आउटर एक झिप आहे आणि इनर झिप आहे आणि याला दोन पॉकेट आहे। याची जी मागची जी चेन आहे, इथे तुमचा एक मोबाईल बसून जाणार आणि आतमध्ये एक छोटी पाण्याची बॉटल आणि इथे तुमचे काही पैसे, कार्ड वगैरे आणि इथे इयरिंग्स वगैरे असेल दोन छोट्या पॉकेटमध्ये, ते येऊन जाणार। ऑफिस गर्ल्स पण याला यूज करू शकता। जर तुम्ही कुठे पार्टीला जात असेल तर पार्टीसाठी पण ही परफेक्ट आहे। कुठे फिरायला जात असेल तिथे पण ही छान वाटते। अगदी ड्रेसवर, जीन्सवर, सगळ्या ह्याच्यावर ही खूप छान सूट होते। यामध्ये तुम्हाला पुष्कळ सारे कलर मिळून जाईल। एक वाईन कलर आणि एक ब्लू कलर, म्हणजे व्हाईट आणि ब्लू
ब्लू याचे कॉम्बिनेशन मध्ये मिळून जाईल। याचा बेल्ट पण खूप मोठा आहे आणि हा बेल्ट डिटॅचेबल नाही आहे, तुम्ही तुमच्या हाइट नुसार तुमच्या रचना नुसार ऍडजस्ट करू शकता। ही मला 1000 पर्यंत पडली होती ही बॅग, आणि तुम्हाला जर ही बॅग घ्यायची असेल तर मी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये देऊन देईन। आणि ही खरच खूप छान बॅग आहे, जर तुम्हाला आवडली असेल तर नक्की घ्या। आणि जर तुम्हाला माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राइब करा, शेअर करा।